और आज जीतू पटवारी का मंडला में मुख्य रूप से एक जनसभा होगी जिसमें सभी को वो संबोधित करने वाले हैं। चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के बाद से ही यहां का सियासी माहौल गर्मा चुका है। कांग्रेस ने अब तक गुना से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया, लेकिन इस बीच पार्टी ने दिग्विजय सिंह की बेटी और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह को गुना में बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी और ऐसे में एक बार फिर से गुना की सियासत में महल और किले के बीच की सियासत देखने को मिलेगी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 28 लोकसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें गुना लोकसभा सीट का प्रभारी जयवर्धन सिंह को बनाया गया है। यानी कि जयवर्धन सिंह अब सिंधिया को हराने के लिए रणनीति बनाते हुए नजर आने वाले हैं। जयवर्धन सिंह का भी गुना लोकसभा सीट में आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव माना जाता है और ऐसे में यहां जयवर्धन को प्रभारी बनाकर कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है, जिससे गुना का मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस सिंधिया के गढ़ को भेद पाती है। तो आप ये देखिए कि पहले गुना जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो इसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब जब वो पूरा एक बड़ी संख्या में अपने साथ कार्यकर्ता और विधायक लेकर पहुंच गए बीजेपी में, तो अब ये सिंधिया का गढ़ कहा जाने लगा है। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या सिंधिया के गढ़ को भेद पाती है कांग्रेस? अब ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जयवर्धन यानी कि अब ये महल और किले की लड़ाई देखी जा रही है। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस सीट पर हमेशा से महल का दबदबा रहा है। पहले राजमाता सिंधिया इस सीट पर सांसद रही, बाद में माधवराव सिंधिया इस सीट पर सांसद रहे और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट पर सांसद रहे। तो ये कहा जाए कि भले ही दल बदले हों, लेकिन जलवा जो है वो सिंधिया परिवार का ही रहा है। तीन पीढ़ियां लगातार इस सीट पर जो है वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती रही। ये बात सही है कि 2019 में मोदी लहर के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जिस तरीके से जज्बात का आपने जिक्र किया कि 2019 में वो हारे लेकिन 2020 में वो बीजेपी के साथ आ गए, तो यही कारण है कि बीजेपी ने उनको इस बार वहां से प्रत्याशी बनाया है। ये बात सही है कि अब जो पूरा चुनाव जो है वो महल वर्सेस किला हो गया है। देखिए दिग्विजय सिंह की अगर बात करूं तो राघोगढ़ जो है वो गुना जिले में आता है, हालांकि संसदीय क्षेत्र के लिहाज से देखें तो वो राजगढ़ में आता है, लेकिन प्रभाव जो है दिग्विजय सिंह का पूरा उसी इलाके में, और यही कारण है कि जयवर्धन सिंह को वहां का लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। देखिए हालांकि अभी तक कांग्रेस अपना प्रत्याशी ऐलान नहीं कर पाई है, माना यह जा रहा है कि एक नए और मजबूत चेहरे को पार्टी मैदान में उतार सकती है, जिसमें वीरेंद्र रघुवंशी का नाम सामने है, अगर बात करें यादवेंद्र सिंह का नाम सामने आता है, अरुण यादव का नाम सामने आ रहा है। तो ये तीन प्रमुख नाम जो है वो बड़ी तेजी से सामने आ रहे हैं कि इन तीन में से किसी एक को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि ये मुकाबला कितना कड़ा होता है। देखिए अगर बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार बीजेपी में जाने के बाद सीधे तौर पर जनता के सामने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और केपी यादव जो है जिनको जिन्होंने 2019 में उनको चुनाव हराया था और वो इस बार उनका टिकट काटा है, तो उनका और उनके समर्थकों का क्या रुख रहता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, अब से कुछ दिन पहले लोकसभा की समीक्षा बार बैठक राजधानी भोपाल में बुलाई गई थी, उसमें अंदर खाने से खबर निकल कर आई थी कि कहीं ना कहीं केपी समर्थक जो है वो सिंधिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहे हैं। हालांकि संगठन ने उनको ताकीद की थी कि आप पार्टी के साथ मिलकर चलिए, लेकिन सबसे जरूरी है कि कांग्रेस के पत्ता पहले खोले कि आखिर कांग्रेस की तरफ से कौन मैदान में आ रहा है, और उसके बाद ये मुकाबला बेहद रोचक हो जाएगा। जी जाहिर सी बात है कि एक वक्त थे जब केपी यादव खुद सिंधिया के विरोध में खड़े थे और जीत कर आ भी गए हैं, और उसके बाद कैसे उनके कार्यकर्ता उनके साथ काम करेंगे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ी चुनौती खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी है। यहां पर शैलेंद्र बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अभी तक 22 उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन मुस्लिमों का हितैषी होने और 100 मुस्लिमों से 100% वोट की मांग करने वाली कांग्रेस ने इस बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं